दाना सबको तेरे ऐसा। हेलो एवरीवन, दिस इज मंशी मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 प्लेइंग विद नंबर्स असाइनमेंट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। राजेश हैज फॉरगॉटन हिज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉक नंबर, ही नोज दैट इट इज अ 4 डिजिट ऑड नंबर। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में वो कह रहा है राजेश अपने लॉक का नंबर भूल गया, उसका जो लॉक नंबर था उसका कॉम्बिनेशन वो भूल गया। ही नोज, उसे इतना पता है दैट इट इज अ 4 डिजिट ऑड नंबर। ये जो इसका नंबर था लॉक का, ये क्या था, 4 डिजिट का ऑड नंबर था, विच इज डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल होता था। ऑल्सो द वंस डिजिट एंड 100 डिजिट आर द सेम, और उसे ये भी पता है कि उसका वंस डिजिट और 100 डिजिट सेम था। टेंस डिजिट एंड 1000 डिजिट आर सेम टू, उसका जो टेंथ डिजिट और थाउजेंड डिजिट था वो भी सेम था। द टेंथ डिजिट इज स्मॉलर देन वंस डिजिट, जो टेंथ का डिजिट था वो वंस डिजिट से छोटा था। ही इज प्रिटी श्योर, ये उसे पक्का पता है दैट देयर आर नो जीरोस, कि वहां बीच में कोई भी जीरो नहीं थी। हाउ मेनी नंबर वुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन, हाउ मेनी नंबर वुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इसकी इस सारे कंडीशन को कौन कौन से नंबर जो है वो सेटिस्फाइड करेंगे। अब देखो उसे कितना कुछ याद है ना, बट उसे अपना नंबर याद नहीं है। तो चलो देखते हैं सोल्यूशन, हम क्या करेंगे, लेट द नंबर नंबर बी, मान लो उसका जो लॉक का नंबर था वो कितना था, ए बी सी डी, 4 डिजिट का नंबर था और वो ऑड नंबर था। मान लो ये ऑड नंबर है और 4 डिजिट नंबर है और 3 से डिविजिबल भी है। आगे उसे क्या कह रहा है, द वंस डिजिट एंड द 100 डिजिट्स आर सेम, वो कह रहा है वंस डिजिट और 100 डिजिट उसका क्या था, सेम था। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम थे, बी और डी सेम थे, तो बी भी आ गए यहाँ पे। आगे नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, टेंथ डिजिट एंड 1000 डिजिट्स आर ऑल्सो सेम, उसका जो टेंथ डिजिट और 1000 डिजिट था वो भी सेम था। इसका मतलब ए बी ए बी, ऐसे कुछ नंबर होगा उसका, ठीक है, और वो 3 से डिविजिबल भी था। ही इज प्रिटी श्योर दैट देयर आर नो जीरोस, उसे पता है बीच में कोई जीरो नहीं थी। और टेंस डिजिट इज स्मॉलर वंस डिजिट, जो टेंस का डिजिट था वो वंस डिजिट से छोटा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके जो नंबर बनेंगे, 3 से डिविजिबल है और 4 डिजिट है, 12 12 हो सकता है, ठीक है। जो टेंस का डिजिट है वो वंस डिजिट से छोटा है और ये 3 से डिविजिबल भी है, पर वो क्या कह रहा है, ही इज नॉट दैट इट इज अ 4 डिजिट ऑड नंबर, बट 2 इज अ इवन नंबर, तो ये नंबर नहीं हो सकता। 15 15 हो सकता है, 15 इज अ ऑड नंबर आल्सो, ठीक है। इसमें वंस डिजिट और 100 डिजिट सेम है, टेंस डिजिट और 1000 डिजिट भी सेम है, इसका जो टेंस डिजिट है वो वंस डिजिट से छोटा है और बीच में जीरो भी नहीं है, सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है। इस तरह से और भी नंबर देख सकते हैं, बट इसमें जो 18 है वो क्या है, इवन नंबर है, तो ये नंबर नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉक नंबर क्या क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 15 15, 27 27, क्योंकि ऑड में होना चाहिए ना, और 39 39, और क्या हो सकते हैं, 45 45, 57 57, 69 69, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे नंबर बना सकते हैं जो 4 डिजिट के हों, 3 से डिविजिबल हों, ऑड नंबर हों, जीरो ना हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। चूज 3 डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1 to 9 में से 3 डिजिट को चूज करो, फॉर्म ऑल द 2 डिजिट नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। वो जो हमने डिजिट चूज किए हैं उनसे 2 डिजिट नंबर्स बना लो और उनको प्लस कर दो। Divide the sum of the numbers by the sum of their digits. और जो 2 digits number हैं उनका sum करो और जो digits हैं जो हमने choose किए थे उनको plus करो और दोनों को divide करो, ठीक है। What would be the result? Let's see. See the solution. Let the digits be
हमने यहाँ पे डिजिट चूज करनी है 1 to 9 के बीच में, कोई भी नंबर एड कर लेते हैं हम, 1, 3, 4 कुछ भी कर लिया हमने। अब वो कह रहे हैं फॉर्म ऑल द 2 digit नंबर्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल द 2 digit नंबर, formed by using these digits. इन डिजिट से जो नंबर बना रहे हैं 2 digit नंबर 1 और 3, 1 और 3 से क्या बनेंगे 13, 31, 3, 4 से बनेंगे 34, 43। अब 1 और 4 से बनाएंगे हम, तो 1 और 4 से क्या बनेंगे 14 और 41। सम ऑफ 2 digit नंबर्स सम करते हैं 13 प्लस 31, 34 प्लस 43, 14 प्लस 41। 2 digits को प्लस कर लेते हैं, 13 और 31 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 44, 77, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 55। इन दोनों को प्लस करेंगे 11 और 1 12, हमारा प्लस करके बन गया 176। नाउ द रिजल्टिंग नंबर इज, रिजल्टिंग नंबर में हम क्या करेंगे, जो हमने सम किया है 2 digit का सम और जो हमने डिजिट चूज किए थे उनका सम, जो चूज किए थे डिजिट 1, 3, 4 इनका प्लस करेंगे तो 176 डिवाइड बाय 1 प्लस 4, 1 प्लस 3, 4, 4 प्लस 4, 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। हाँ जी, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट द डिजिट्स बी, कोई भी डिजिट हम चूज कर लेते हैं 3, 4, 5, 2, 4, 5 अपने चूज कर लिया। ठीक है, और 2 digit नंबर, और 2 digit नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस डिजिट्स, इन डिजिट्स को यूज करके जो 2 digit नंबर बनेंगे क्या क्या बनेंगे, 24, 2 और 4 को, फिर 42, फिर 4 और 5 से बनाएंगे 45, 54, फिर 2 और 5 से बना देंगे 25 प्लस 52। इनके हमारे डिजिट्स बन गए सारे नंबर्स, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, ये हमारे 2 digit नंबर बन गए, जो डिजिट हमने चूज किए थे उनसे 2 digit नंबर बना दिए हमने। अब हम इसमें करेंगे सम, सम ऑफ 2 digit नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स 24 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 54 प्लस 25 प्लस 52, इन दोनों को प्लस किया 66, इन दोनों को प्लस किया 99 और इन दोनों को प्लस किया 77, तीनों को प्लस करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 242। ठीक है, सम ऑफ द चूजन डिजिट्स आ गया हमारा 2 प्लस 4 प्लस 5 11, तो नाउ रिजल्टिंग नंबर इज कितना आ जाएगा हमारे पास 242 डिवाइड बाय 11, इसका आंसर आ गया 22। तो पीछे वाले का भी हमारा आंसर 22 आया था, वो कह रहे व्हाट वुड बी द रिजल्ट इज 22, दिस इज आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। Show that if the 3 digit number in the form of 906, that is digit at 10th place is 0, is subtracted from the sum of its digits, we always get a number divisible by 11. वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ द 3 digit नंबर इन द फॉर्म ऑफ 906, मतलब इसके 10th प्लेस पे 0 होना चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर लेट कर लो, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, अगर इस नंबर को हम उसके डिजिट्स के सामने से माइनस करें तो वो जो हमें नंबर मिलेगा वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। तुम देखते हैं, लेट सी द सॉल्यूशन। लेट द नंबर बी, नंबर लेट कर लेते हैं, बीच में 0 होना चाहिए तो हमने लेट कर लिया 305, कोई भी नंबर लेट कर लेते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, द 3 digit नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट्स
3 plus 0 plus 5 कितना हो गया 8 is subtracted from the, तो हम इसको subtract कर देते हैं 305 minus 8 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 792। वो कह रहे इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11 तो इसको 11 से डिवाइड करें कितना आ गया 27। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। लेट द नंबर बी, कोई भी नंबर ऐड कर लो, मान लो हमने कर लिया 307। ठीक है, अब इसमें क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स हमने डिजिट्स का सम कर लिया 3 + 0 + 7 कितना आ गया 10। ठीक है, द रिजल्टिंग नंबर इज 307 माइनस 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 297 डिवाइड बाय 11 297 को 11 से डिवाइड करो तो हमारा आ जाता है 27। देखो 297 डिवाइड बाय 11 11 टू जा 22 11 7 जा 77 27 आ गया। तो वो क्या कह रहा है, वी ऑलवेज गेट ए नंबर डिविजिबल बाय 11 तो हो गया हेंस प्रूव्ड। तो ये थी हमारी असाइनमेंट 4.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।